तो ये वाला होगा चिमनी, इसमें स्टील का बर्तन आएगा, आराम से वॉश कर सेरामिक। मैंने ये हॉब लिया है। आज सूरज कौन से दिशा से उठा था, काश मैं नोटिस किया होता। आज तो मिथुन का चाय पीने का एक अलग ही लेवल होगा। ये पूरा है तुम्हारे लिए, क्योंकि इसमें जो बिस्किट्स है वो आर्यन और मिथुन दोनों मिलके ही बस एंजॉय करने वाले हैं। मेरा जो चीज था इसमें से, जैसे कि चीज था, जैसे कि कुछ मतलब ड्रिंक्स था, वो सारे मैं और आर्यन मिलके कल ही फ्रिज में उठा लिया था। पर ये सारी चीजें, और हाँ ये आर्यन के लिए। वेफर्स मुझे भी पसंद है, ऑस्कर को भी पसंद है, माइलो। तो तुम पहले ये बोलो, मैं चाय बनाऊं, उससे पहले तुम बोलो कि कौन सा तुम आज खाने वाले हो। वैसे तो मिथुन बहुत ज्यादा लेक्चर भी झाड़ते हैं कि नहीं मेरा तो तबीयत खराब है, मारी के अलावा और कुछ नहीं खाना है मुझे। तो कल मैं जाके 6 पैकेट मारी बिस्किट लाई, और कल रात को, मतलब ये परसों मैंने किया था, कल रात को ये देखने के बाद बोल रहे हैं नहीं अभी तो तबीयत लगभग ठीक ही है, तो अभी मैं खा सकता हूँ। क्रॉस आया है इतने सारे, ये तो वैनिला चॉकलेट, ये तो बहुत मस्त है। और ये भी सूर्यदक खिलाया था। हाँ शुजिता के घर में ये खाए थे हम, कुछ कॉफी जैसा एक खुशबू आता है। हाँ वो आर्यन इसलिए कल रात को बोल रहा था कि मम्मा ये मैंने कहीं पे खाया, ये बहुत टेस्टी है। और गो फर्स्ट ओ, इस बार जाने के टाइम में, ये सच में बहुत टेस्टी है। शुभजीत दा के घर में हम खाए थे ये। मुझे नहीं खाना, मुझे बिस्किट पसंद नहीं है, बस शुमना दी मुझे थोड़ा सा चाय दे दो। शुमना दी बोल रहा है बस एक खा लेना, एक खा के तू देख, अगर अच्छा नहीं लगता तो बाद में मत खाना। एक खाने के बाद कंटिन्यूअसली 3-4 महीने वहीं पे खा गई। आज बिस्किट का ऑप्शन देख के ये लग रहा है कि लाइफ में गर्लफ्रेंड या वाइफ का भी अगर इतना ऑप्शंस होता है। वो किस वालों को मिलता है, मिथुन को लगता है कि उनको गर्लफ्रेंड या वाइफ का इतने सारे ऑप्शन। मेरे लिए नहीं, मेरा बेटा जब बड़ा होगा उसके लिए बोल रहा हूँ। बेटी के ऊपर से मत झाड़ो वो किस्मत की बात होती है, वो तुम जैसों के किस्मत में नहीं है। आज अगर मैं गलती से भी मिथुन को पूछ लिया ना कि मिथुन ब्लैक टी या मिल्क टी, मिथुन तो शायद मुझे मार ही डालेंगे। नहीं मैं क्रोसाया खा लिया तो बिस्किट नहीं होने से भी चलेगी। अच्छा आ गया तुम्हारा चाय, इसमें थोड़ा ज्यादा ही ये ले लो। तुम्हें और कुछ लेना है? मैं सच में बोल रही हूँ कि कोई बिस्किट वगैरह कुछ लेना है? लेना है तो दो। मतलब क्या लोगे? जो तुम्हारा मन। So guys, आज हम फिर से जा रहे हैं वॉश में, क्योंकि लास्ट डे जब हम गए थे वहाँ पे तो हॉब ड्रायर और वॉशिंग मशीन हम लेके आए थे, मतलब वहाँ पे ही अभी तक डिलीवरी नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे अभी काम चल रहा है, तो अभी अगर डिलीवरी लेंगे तो वो गंदा हो जाएगा। आज हम जा रहे हैं चिमनी और डिश वॉशर लेने, क्योंकि ये दो चीज बाकी था, क्योंकि उन लोगों से डिश वॉशर का एक इशू था, इसीलिए बाकी था क्योंकि ये लोगों ने बोला था कि डिश वॉशर जो है वो फ्री होल्डिंग के तरह ही एक टाइप का डिश वॉशर आईएमवी का मिलता है वो लेंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने डिश वॉशर छोड़ के आया था। फिर देखा कि सारे बिल्ट इन जो डिश वॉशर है वो एक ही टाइप के डिजाइन का आता है, तो वही अगर बिल्ट इन करना है तो वही लेना पड़ेगा, तो इसलिए जब बिल्ट इन ही लेना पड़ेगा तो हम वहां से क्यों लें, तो वॉश से सारी चीजें लिया है तो वहां से लेंगे, तो इसलिए जा रहे हैं। उससे पहले एक बार घर घूम के आते हैं। हाँ अभी वहाँ पे जो मैनेजर है वो आया है, वो एवरीडे नहीं आते तो आज आया है, तो उनसे मिलेंगे और उसके बाद फिर जाएंगे हम वॉशिंग रूम में। किचन का काउंटर टॉप बैठ गया, एवरीडे थोड़े थोड़े से बनते हुए देख के बहुत अच्छा लगता है। डिश वॉशर का जगह अभी फिक्स हो चुका है तो अभी हम ला सकते हैं, और ये है सिंक, सिंक का जगह। अच्छा इसके अंदर क्या ऐसे ही खाली रहेगा वो? और वैसे ये ऊपर का जो लॉक है ये भी स्टार्टिंग है, तो उसके बाद एक हल्का सा एक शेप आएगा। When I struck my feelings out, you look doesn't mean I don't need you. तो ये वाला होगा चिमनी, जो कि हम उस दिन देख के गए थे, शायद बंगाली व्लॉग में दिखाई भी थी ना आपने। तो ये है ऑटो क्लीन, सबसे अच्छी बात ये है, और साउंड बहुत ही कम है, कभी बोलते तो ये बेचने के टाइम में क्या कंपनी। और ये वाला डिश वॉशर, लेकिन जैसे और गड़बड़ है 33500 सर। इसमें स्टील का बर्तन आएगा,
आराम से वॉश कर सकते हैं। स्टील, सिरामिक, मेलामाइन, माइक्रोस्ट्रिप, प्लास्टिक, ग्लास लेजर्स पूरा एक ही बार डाल सकते हैं। प्लास्टिक भी डाल सकते हैं, माइक्रोस्ट्रिप बॉल्स भी डालिए, 100% वॉश हो जाएगा। और एक चीज जो हम बेंगली है, थोड़ा सा ऑयली फूड खाते हैं, ठीक है? नो प्रॉब्लम मैम, ऑयल मसाला वो चला कंप्लीट वॉश हो जाएगा, हैंड वॉश से भी बेटर वॉश मिलेगा। एंड नॉनस्टिक बर्तन, नॉनस्टिक भी यूज कर सकते हो, उसमें क्वालिटी का डिपेंड करेगा। एग्जांपल आप कभी भी नॉनस्टिक यूज करते हैं ना, लेस टेम्परेचर प्रोग्राम यूज कीजिए, वो कोटिंग नहीं जाएगा। अगर आप ज्यादा सॉइलिंग है, 70 डिग्री हॉट वाटर में जब वॉश करेंगे, उस टाइम में ऐसा कोटिंग वाला नहीं डालना मैम, कारण है कि इसमें ज्यादा टेम्परेचर यूज करता है। ऑल टाइप ऑफ वेसल्स यू कैन यूज विद अ लेस टेम्परेचर प्रोग्राम, नो डैमेजेस, नो फेडिंग आल्सो, नो डिस्कलरेशन। मैंने ये हॉब लिया है, इसके पर एक चीज, इसका डिजाइन अलग है कि ये जो बड़ा वाला है ये इस साइड में है और ये वाला जो पोर्शन है वो इस साइड में, आप एक इमेजिन कर लो वो वाला 90 सेंटीमीटर का है। नॉब्स वगैरह और भी थोड़ा बेहतर है, मतलब इससे बेहतर है अपर वर्शन। और उसके ठीक जो नेक्स्ट वाला बेस्ट है वो ये था, ये स्टील का हॉब, इसका भी अभी प्राइस घटा ही यार। थक गई तो किचन का सारा सामान हो गया। अभी 16 को हमारा शॉपिंग है, एक बड़ा सा शॉपिंग जहाँ पे किचन का सिंक, नल, बाकी जो सारे वॉशरूम है वहाँ का नल वगैरह हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें शॉपिंग करने जाएंगे। अगर मिथुन का दरिया दिल है तो मुझे एक कप कॉफ़ी भी पिलाएंगे, पर पता नहीं पिलाएंगे कि नहीं, दरिया दिल है कि नहीं। काम है 3 बजे। अच्छा तो चलो, तो वहां से आने के तुरंत बाद ही राइस चढ़ा दिए है। यहाँ पे है डक एग, एग भी बॉईल कर लिया है। यहाँ पे है ऑस्कर माइलो का चिकन, क्योंकि थोड़ा सा चिकन है तो इसलिए इसमें और नहीं डाला, और इसमें वैसे भी बहुत सारे सामान है। घर पे मसाला अगर रेडी हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता खाना बनाने के लिए, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, जल्दी जल्दी हो जाता है। I fell in love with the colors, they kind of tell me what I'm thinking. आलू और गोभी के साथ बना लूंगी एक करी, तो एक गोभी रेडी कर लिया है। और ये एक्चुअली जल्दी जल्दी में खाना जब बनता है ना तो ये सारी चीज़ें नज़र आता है कि इसके साथ आपका सब्जी भी थोड़ा बहुत खाना हो जाएगा और उसके साथ नॉन वेज कुछ रेडी अगर हो तो जल्दी खाना बन जाता है। सीरीज का नाम है राणा नायडू, सीरीज बहुत अच्छा हो रहा है। पर एक चीज मुझे बहुत गलत लगता है कि आजकल जो भी सीरीज या मूवी आता है ना वो सारे 18 प्लस कंटेंट है, तो ऑब्वियसली आर्यन के सामने हम देख नहीं सकते, या तो लैंग्वेज में या तो सारे जो क्लिप्स होते हैं वो सारी चीजें। तो बाय द वे जो भी हो, मिथुन गए हैं अभी बाहर थोड़ा किसी काम के लिए, तो टीवी को पॉज करके गए, बोल रहे हैं कि जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम देखोगे नहीं, क्योंकि एक बार अगर देख लिया था तो वो चीज मुझे दोबारा देखने का मन नहीं करता। और मिथुन का कहना है कि एक सीन भी मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ। तो कुछ सीरीज या कुछ मूवीज होता है ऐसा जो कि हम मतलब पूरा देखना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा है, पर वही 18 प्लस कंटेंट। आ गए मम्मा थोड़ी देर के लिए बैल्कनी पे आके बैठा और ये आ गया, और छोटा वाला उस रूम में सो रहा है। वो अभी सनसेट हो रहा है और सनसेट के टाइम में कितना अच्छा दिखता है सूरज, उसका कलर, उसका ये सारी चीजें, और इसलिए शायद कहा जाता है कि गोल्डन आवर, सच में गोल्डन आवर। ये सूट मैं पहनी हुई थी, उसके बाद मुझे ये टॉप पहनना पड़ा, बिकॉज ये सूट का जो प्रॉब्लम है ना, इसका जो बटन का साइज इतना सा है, पर बटन जहाँ पे होल्ड होगा ना वो किसी डॉक्टर ने दिया, ये इतना बड़ा है कि अचानक से बात करते हुए बटन ऐसे ओपन हो जाता। और अभी पता है बेंगलुरु का वेदर इतना अच्छा हो रखा है कि अभी वो जो कड़ी धूप है ना वो नहीं आ रहा है, वो कड़ी धूप में बहुत प्रॉब्लम होता है। मेरे सारे कर्टन, मेरे इस घर के सारे पतला सा है, जो भी धूप होता है ना वो धूप घर तक आ जाते हैं, जितना भी आप कर्टन बंद करके रखो।
तो आजकल क्या हो रहा है ना ही क्लाउडी ना ही सनी, बहुत अच्छा वेदर हो रखा है और उसके साथ साथ हवा तो इतना अच्छा चल रहा है ना, अभी मन करता है कि बैल्कनी में खड़े हो जाओ। पर जब भी मैं बैल्कनी में आ जाती हूँ तब भी मेरा ये जो दो अनमोल रतन है ये भी आ जाते हैं और ऐसे जब भी डॉग को देखते तो भौंकने लगते हैं। किसी दिन अगर मैं मिथुन का बोलने से पहले ही चाय बना लेती हूँ ना तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो आज भी वो गए बाहर, तो अभी काफ़ी टाइम भी हो चुका है, जैसे कि 4:30 बज चुके हैं। तो अभी मैं चाय बनाऊंगी और चाय पत्ती नहीं थी तो स्विगी इंस्टामार्ट से मैंने मंगवा ली है। तो मिथुन जब आएंगे, वैसे मिथुन का आने का टाइम भी हो चुका है, तो मैं भी चाय बनाऊंगी। आई होप कि चाय बनाते हुए वो चले आएंगे और फिर इसका खुशी, मतलब मुझे भी पता है कि कब कब हम चाय पीते हैं, तो वैसे भी मैं बनाने जाती हूँ पर मिथुन को चाय बना लो तो उसके बाद मैं बनाती हूँ, चलो ठीक है। पर किसी दिन अगर मैं पहले बना लेती हूँ तो बस। आज सूरज कौन से दिशा से उठा था, काश मैं नोटिस किया होता। मिथुन, सेम बिस्किट, सेम बिस्किट, वो पैकेट खत्म होने तो उसके बाद दूसरा। क्या था वो, बटर वाइट या गुड डे? हाँ बटर वाइट तो दूसरा। पर मुझे ये बिस्किट अच्छा नहीं लगता, मुझे ना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है 50-50, चाहे जितना भी कुकीज और फैंसी बिस्किट चाहे जो भी आए हो मार्केट में, पर मुझे 50-50 क्रैक जैक ये सारे बिस्किट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पर सबसे बेस्ट जो है वो है मारी के सामने कुछ नहीं है, पर मारी फिलहाल तो पैकेट में है, ये भी पैकेट में है, पर मुझे कुछ और खाने का मन कर रही है। एक्चुअली जब आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा होना तो तब लगता है कि नहीं ये नहीं वो नहीं ये, पर इतना डब्बा नहीं है मेरे पास। बिस कैफे ओपन करें मिथुन, खाओगे? नहीं, छोटा सा एक डब्बा मैं मैनेज कर सकती हूँ। करूँ? आर्यन, तुझे खाना है, अगर तीनों मिलकर खाएंगे तो एक पैकेट खत्म हो जाएगा। ओके देखते, बहुत ही पतला पतला सा है ये बिस्किट, शायद खत्म हो सकता है। डब्बा है, अगर खत्म नहीं होता तो इसमें हम डाल सकते हैं। और एक दो लाइट ऑन कर दो। हाँ कर दो। फिलहाल तो हमारा ये जो प्यारा सा सीरीज है ये भी पॉज किया हुआ है क्योंकि एक 13+ बच्चा बैठा हुआ है, 18+ सीरीज नहीं देख सकते। सच में टीवी आजकल क्या करना पड़ेगा पता है, अभी पेरेंट्स को टीवी पर्सनल होना चाहिए। पहले एक टीवी पूरे परिवार के लिए था और अभी पर्सनल होना चाहिए, हर कपल के लिए, बच्चों के लिए अलग। क्या हुआ माइलो? ये तुझे क्या हुआ? सर्दी का सीना बिस्किट ही रहा हुआ। थोड़ा सा तोड़ के दो, देखो वो ये फ्लेवर खाता है कि नहीं, कॉफी वाला फ्लेवर है ना। खाना है? पहले खुशबू लेगा उसके बाद। खाना है मारलो? निकल रहा है मुझसे, ये अच्छा नहीं लगा उसको। आर्यन क्रिकेट प्रैक्टिस से आने के बाद थोड़ा सा उसे खाने पीने का टाइम मिलता है, उसके बाद वो ट्यूशन क्लास के लिए चला जाता है। तो उसके लिए अभी एक सैंडविच बना रही हूँ और ये सैंडविच आर्यन को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये खाने के बाद वो जाएगा ट्यूशन क्लास में और फिर वहाँ से लौटने के बाद फिर डिनर करके वो सो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट डे उसका स्कूल रहता है। और अगर स्कूल ना भी रहता है तो थोड़ा सा मोबाइल पे रहता है और उसके बाद सो जाता है, मतलब जो होता है एक्चुअली वीकेंड पे। सो गाइस डिनर हो चुकी है और अभी हम सोने आए हैं, और जब मैं लिविंग पे थी तभी मेरे आंखें छोटी छोटी हो गई थी, इतना ज़्यादा नींद आ रही है आज। आज बहुत जल्दी हम सो रहे हैं बिकॉज पता नहीं पर हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो मुझे लगा सीरीज को अभी छोड़ो, बाकी का जो है वो हम कल देखेंगे। तो अभी सोने चलते हैं क्योंकि सुबह उठना तो है, मेरा टाइम बिल्कुल पक्का है, उसने भी मुझे उठना है, उठने के बाद जो जो काम होता है वो मुझे करना है, और अगर टाइम मिले तो कल दोपहर को बाकी का देख लेंगे, क्योंकि जब तक एक सीरीज कंप्लीट नहीं करती ना तब तक कुछ गुड फील नहीं होता कि उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या होगा क्या होगा। तो चलिए आज इस वीडियो को भी हम यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।